साथियों, ममता दीदी, विद्वानों, विचारकों, दार्शनिकों, कलाकारों की इस माटी का रंग बदलना चाहती है। आज स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो दीदी है, लेकिन दीदी पीछे रहकर कैसे कैसे की दादागिरी और कैसे कैसे लोगों की हुकूमत चलवा रही है। नाम का शासन टीएमसी रखा है, लेकिन कारोबार दीदी ने जगाई मधाई चला रहे हैं। टीएमसी की सरकार ऐसी सरकार है जिसके राज में शिक्षक भी परेशान, किसान भी परेशान और यहां भगवान का नाम लेने वाला भी परेशान है। भाइयों और बहनों, दीदी की पार्टी के टोलेबाज मनरेगा तक को नहीं छोड़ रहे हैं। जॉब कार्ड गरीबों का अधिकार है, लेकिन उनको भी टीएमसी के टोलेबाजों ने दबा करके रखा हुआ है। आपको सस्ता चावल मिले इसके लिए दिल्ली से सरकार पैसे भेजती है, लेकिन यहां टीएमसी का सिंडिकेट उसको ही लूट लेता है। गरीबों के निवाले के भी जो चोरी करते हैं। क्या भाइयों बहनों, आप जरा मुझे जवाब दीजिए, जिन्होंने आपको लूटा है, जिन्होंने आपको तबाह किया है, जिन्होंने आपको बर्बाद किया है, क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है?